भारत के पिछड़े और दूर दराज क्षेत्रों में विकास के आकांक्षी जिला और ब्लॉक को विकसित करने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक नीति आयोग द्वारा संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। देश के 500 ब्लॉक में से कोरिया जिले का बैकुंठपुर विकासखंड आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। इसके तहत ही कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में पटना में प्रमुख 6 विकास के बिंदुओं में से एक हेल्थ के उत्थान के लिए विशाल हेल्थ मेगा कैंप का सफल आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में जिला के रोग विशेषज्ञ समेत अन्य विशेषज्ञ ने प्रसव पूर्व जांच, एनीमिया, सिकलिंग, कैंसर, मधुमेह आदि रोग के अलावा मातृत्व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य की जांच की। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमारा जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी शामिल है, संपूर्णता अभियान के अंतर्गत भी चयनित है। हमने आरोग्यम करके एक मेगा हेल्थ कैंप ब्लॉक स्तरीय लगाया था, क्योंकि पटना विकासखंड पूर्व से चयनित है, प्लस ये बहुत बड़े बड़े गांव हैं इसके आसपास, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज दे सके, इस उद्देश्य के साथ बहुत ही कम समय में हमने इसकी प्लानिंग करी और इसको बहुत मैं सफल मानूंगी, क्योंकि लगभग हमारे 5,500 लोगों ने इसका लाभ उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि मैंने ख़ास तौर पर अपनी पूरी हेल्थ टीम के साथ सरगुजा एवं सूरजपुर से भी डॉक्टर्स को इधर बुलाया था, जो स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिकल इश्यूज एंड जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है उसके टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली उनको बुलाया गया था, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे वो महिलाएं जो 40 वर्ष से उम्र के ऊपर हों उनका टेस्ट कराना बहुत आवश्यक होता है, तो हम उसकी सुविधा भी वहाँ पर मुहैया कराए थे। बहुत खुशी हो रही है कि शासन की जो महत्वपूर्ण सारी स्कीम्स हैं जिसमें हमको सिकलिंग टेस्ट करना रहता है, या हम टीबी का स्पूटम लेते हैं, या लेप्रसी के लिए हम टेस्ट करते हैं, उन सब में नहीं भी तो 3,000 से 4,000 लोगों ने अपना टेस्ट करवाया। और इसके अलावा एक जनरल सभी का शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट एंड जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है उसको हमने करवाया। जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके टेस्ट लगातार वहां पर हो रहे थे। जैसा आप सभी को विदित है कि हमारे एक एरिया में एक व्यक्ति को H1N1 पूर्व में हुआ था, लगभग 15 दिन पहले की बात है, तो H1N1 की भी टेस्ट हमने प्रारंभिक तौर पर सभी की करवाई है। एक इस महत्वपूर्ण आयोजन से ये एक फ़ायदा हुआ कि लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, जिसमें आई टेस्ट शामिल है, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, उनको भी बुलाया गया था, और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं कैंसर के उनका फॉलोअप हो सका, मेडिसिन का लगातार डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, और आई टेस्ट कैंप भी उसी के साथ हमने लगाया था, ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके एटलीस्ट आई का चेकिंग हो जाए, और जो यंगस्टर्स यंग बच्चे थे उनका भी चेकिंग कराया गया।